हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो ऑयल एंड ONGC का चार्ट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का, और वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे जो प्रोजेक्शन बना है वो उस प्रोजेक्शन का एनालिसिस करूँगा और जो मेरा ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे तो पहले देखिए आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर एक W बनाया था, ठीक है। इस W बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ठीक है। इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो देखिए, इस जोन को ड्रॉ कर लिया, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, बायर्स ऊपर गया, सेलर्स थोड़ा बहुत प्रेशर किया नीचे लाने के लिए, परंतु यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ और प्राइस थोड़ा थोड़ा करके धीमे धीमे ऊपर की तरफ गया। और देखिए, प्राइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बेस करके ऊपर की तरफ गया है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर खींच लेते हैं तो देखिए, ठीक है, देखिए इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट यहाँ पर इस तरह के ऊपर गया इस तरह से। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनाया वीकली चार्ट पे, यहाँ पर डॉजी कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनाया, फिर देखिए यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो चुका है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर बायर्स भी थोड़ा एक्टिव नहीं है कि ऊपर की तरफ जाए, और सेलर्स भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि नीचे की तरफ लाए। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का जो फाइट हुआ है, फिर यहाँ पर डॉजी कैंडल बनाया। यहाँ पर देखिए, जो सेलर है वो थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया, तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद देखिए, प्राइस जो नेक्स्ट वीकली पे ओपन हुआ था वो करीबन इसके ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ था, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर एक अपसाइड एक मोमेंटम दे दिया। और देखिए, करीबन इस जहाँ से यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुआ ना, यहाँ से छोड़ दिया यहाँ से जाके, ठीक है। और देखिए, जो नेक्स्ट वीक पे है वो एक्टिव, जो बायर्स है, जो बायर्स यहाँ पर छोड़ दिया था तो सेलर्स एक्टिवेट हो गया, और सेलर्स देखिए यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ। फिर देखिए, सेलर्स ने पूरा यहाँ पर एक बुलिश मार्गुजो कैंडल बना दिया और इसका लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे है, उस ट्रेडिंग डे पे स्ट्रेटजी यही होगा कि देखिए यहाँ पर जो जोन बनाया ना, इसका लो और इसका लो, अगर इस लो के आसपास ही प्राइस ओपन होगा, करीबन फ्लैट ओपनिंग होगा यहीं यहीं तक का, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ एक मूवमेंट देगा, जो करीबन पहला जो होगा वो करीबन यहाँ तक का होगा, एंड सेकेंड जो ये होगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।